और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही है। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। और अलीगढ़ ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सौहार्द का परिचय दिया है, भाईचारा का परिचय दिया है। ये जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, जहां हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। इन्होंने मन की बात तो की है, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है, जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें।